सो हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। एंड गाइस, सबसे पहले हम लोग बात कर लेते अब दिवाली बैटल को लेकर। सो गाइस, ये टूर्नामेंट के लास्ट मैच में भी किसी को नहीं पता था कि कौन सी टीम ये टूर्नामेंट को जीतने वाली है, क्योंकि गाइस कोई भी टीम के पास बहुत अच्छी लीड नहीं थी। यस गाइस, बस हमें सेकंड लास्ट मैच में एनटीटी गेमिंग सबसे पहले देखने को मिल रही थी। एंड गाइस, एनटीटी गेमिंग ने जीत लिया ये टूर्नामेंट को। बट गाइस, ब्लाइंड एंड एनटीटी का हमें सेमी पॉइंट देखने को मिला। बट गाइस, एनटीटी का प्लेसमेंट पॉइंट ज्यादा था, जिस वजह से एनटीटी ने ये टूर्नामेंट को जीत लिया। सो गाइस, मेनी कांग्रेचुलेशन टू देम। एंड गाइस, ब्लाइंड अगर ये टूर्नामेंट जीत जाती है तो बैक बैक वो दो लाइन जीत जाते। बट गाइस, ऐसा नहीं हुआ एंड वो सेकंड आई। एंड गाइस, जो थर्ड है ये वो है ग्लोबल ई-स्पोर्ट्स। हो गई ग्लोबल ई-स्पोर्ट्स अपने नए लाइनअप के साथ भी थर्ड आ गई, जो कि एक बहुत ही बड़ी बात है। एंड गाइस, टीम सोल की बात करें तो वो हमें फोर्थ नंबर पे देखने को मिल रहे हैं, फिफ्थ नंबर पे ओजी। एंड गाइस, जो गॉडलाइक है वो हमें एट नंबर पे देखने को मिल रहे हैं। एंड गाइस, टीएक्स जीडीआर टीटी का हमें उतना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं देखने को मिला। एंड गाइस, नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं बहुत ही सीरियस मैटर को लेकर। ये जो प्लेयर्स है वो भी काफी ज्यादा गुस्सा है, क्योंकि गाइस आपको ये सब पता होगा कि यूई9 एंड स्काईलाइन में कितने सारे मैचेस रीहोस्ट हुए। इनफैक्ट आज भी एक मैच हुआ, नेटवर्क इशू तो बहुत ही ज्यादा रहता था, जिसके एंटी ट्रॉय ने भी पहले स्टोरी डाली थी। एंड गाइस, आज जो टीक सरांग है उन्होंने ये बोला कि सेकंड मैच में ड्रीम्स डिस्कनेक्ट हो गया था। एंड हम लोग ने रिहोस्ट कराने के लिए बोला भी जब वो लोग प्लेन में ही थे, बट उन लोगों ने ऐसा बिल्कुल भी नहीं किया। एंड इनफैक्ट हम ही ब्लेम कर रहे थे कि हम बाकी तीन प्लेयर फिर क्यों फाइट लेने चले गए। इज इट फेयर इफ अ प्लेयर लैंडेड एट द एंड ऑफ द फ्लाइट पाथ? क्या ये फेयर मैच हुआ हमारे लिए? हम तो उनके वाईफाई में खेल रहे हैं। आई फील वी प्लेयर्स आर ट्रीटेड एज द लास्ट ऑप्शन। हमारे मैचेस उनके लिए रियली में मैटर नहीं करते अंटिल दे आर मेकिंग मनी एंड गेटिंग व्यूज। एंड गाइस, लास्ट में उन्होंने यही बोला कि वी विल स्टिल कंटिन्यू टू प्ले फॉर द सेक ऑफ ई-स्पोर्ट्स इंटीग्रिटी। ऑल इन ऑल, पर्सनल एक्सपीरियंस, फेल्ट रियली ह्यूमिलेटेड ऑन द स्टेज इन फ्रंट ऑफ द ऑडियंस। वी पर्सनली डोंट होल्ड एनी ग्रजेस, बट दिस इज नॉट हाउ अ टीम और प्लेयर शुड बी ट्रीटेड। एंड यस गाइस, ये दोनों लाइन में हमें बहुत सारे इश्यूज वगैरह देखने को मिले। एंड जो प्लेयर्स है वो भी थोड़ा सा हमें गुस्सा देखने को मिले दोनों ही लाइन में। एंड गाइस, आज जो आरएनडी वो भी बहुत अच्छा मार रही थी, बट गाइस वो मैच भी रिहोस्ट हो गया, सो उनके भी जो किल्स वगैरह किए थे वो भी सब चले गए। एंड गाइस, बाकी आपके भी इसमें क्या ओपिनियन है मुझे कमेंट करके जरूर बताना। एंड गाइस, बात कर ली टीम गॉडलाइक की, तो गाइस ये टूर्नामेंट में टीम गॉडलाइक का उतना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं देखने को मिला। बट गाइस, आज उनके दो मैचेस बहुत ही अच्छे गए थे एंड चिकन डिनर भी निकल सकते थे। बट गाइस, एक मैच में हमें जोनाथन की तरफ से एक बहुत ही बड़ा मिस्टेक भी देखने को मिला। यस गाइस, वो क्लिप आप ऑन स्क्रीन देख सकते हो। लोकल वो सबसे बड़ा दुश्मन अभी बनने वाला इन टीमों के लिए, ग्रेनेड्स के ऊपर ज्यादा निर्भर किया जा रहा है, क्योंकि इन्हें पता है ये वो वक्त है, ये वो समय है जहां पे चीजें कंट्रोल पे आएगी। बट जोनाथन ये क्या कर बैठे खुद। एंड गाइस, फिर जब ये मोमेंट में जोनाथन शैडो मर गए तो उसके गॉडलाइक चिकन डिनर नहीं निकाल पाए, क्योंकि वो लोग दो ही मैन बचे थे एंड फिर जोन भी आ रहा था। एंड गाइस, जोनाथन ने एमवीपी के ऊपर भी रिप्लाई दिया, सो पूरा क्लिप भी आप ऑन स्क्रीन देख सकते हो। एक पर्सनल सवाल, देखिए एमवीपी अक्सर आपको कहा जाता है, जब एमवीपी का टाइटल आपके नाम के साथ जुड़ता है तो प्रेशर भी बहुत ज्यादा है, जनता का बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशंस होती है। सो हाउ डज दैट मेक यू फील व्हेनेवर यू कम इनटू द अरेना? जब आप गेम खेलते हैं, जनता होती है, यहाँ बेंगलुरु की जनता भी आपको बहुत प्यार दिखा रही है, बहुत सपोर्ट दिखा रही है, तो एज अ प्लेयर कैसा फील होता है? लाइक किधर भी जाओ, मतलब प्यार तो है, मतलब वो मानना पड़ेगा कि प्यार तो है। सो वो मैटर नहीं करता है, बट मुझे इतना दिमाग में रखना है कि मैं जो खेलता हूँ जितने भी लोग हैं उनके लिए खेलता हूँ। एंड लव यू गाइस। एंड गाइस, हमारी जो नेक्स्ट न्यूज निकल कर आ रही वो हाइड्रा को लेकर। सो गाइस, आपको सब पता है कि हाइड्रा ने अभी पूरी अंडरग्राउंड लाइनअप उठाई है, तो मेजी से बंदे ये पूछ रहे थे कि अगर उनको अभी इनवाइट मिलता तो क्या ये अनफेयर नहीं होगा दूसरी टीम्स के लिए। सुषमन का क्या रिप्लाई था वो आप ऑन स्क्रीन देख सकते हो। I have a question for you, your take. What if team like Hydra come up with underdog team lineup and they get invited to tournament? It's unfair for the players. Obviously it's unfair. और मुझे लगता भी नहीं है कि उनको इनवाइट कहीं मिल भी रहा है। I don't think उनको इनवाइट मिल रहा है कहीं पर भी। ऑलरेडी उन्होंने अभी वाला जो इवेंट हुआ था नॉर्डबिन का, उन्होंने अच्छा खेला, तो उस बेसिस पे अगर उनको इनवाइट मिल रहा है तो एक बार के लिए मुझे समझ में आता है कि चलो ठीक है, उन्होंने अच्छा खेला था तो उस बेसिस पे उनको इनवाइट मिल गया। करण भाई, मैं यही बोल रहा था कि अगर ये जो अभी इवेंट हुआ नॉर्डविन का, उसके बेसिस पे अगर उनको इनवाइट दे रहे हैं क्वार्टर फाइनल्स में या कहीं पे भी, तो समझ में आता है कि हाँ दिया है, अच्छा खेला इसलिए दिया। तो सेमीफाइनल्स वगैरह में मिल रहा है तो ऑब्वियसली वो अनफेयर होगा। खेल रहे थे अब नाम बचाने के लिए, इसलिए चार पांच जोन तक नो फाइट, अगले टू थ्री जोन में फाइट लेके कॉन्फिडेंस आ जाता था। आयुष, देखो समय के साथ बहुत सारी चीजें बदल जाती है, आप हमेशा नहीं कह सकते कि वो प्लेयर वैसा ही रहेगा जैसे वो पहले खेलता था, वो चीज़ पॉसिबल नहीं है। समय के साथ साथ गेम में
डाउन आता ही आता है, और उसका रीजन वो नहीं होते, बाकी होते हैं, क्योंकि बाकी बहुत अच्छा खेल रहे होते हैं। बट फिर बाकियों के साथ भी वही सेम चीज होता है कि एक टाइम बाद आके वो थोड़ा सा रिफ्लेक्सेस, वो थोड़ा सा कंसंट्रेशन पावर, वो सारी चीजें थोड़ा डाउन हो जाती हैं। तो मैं ऐसा नहीं कहूंगा कि नाम बचाने के लिए खेल रहे हैं, नाम बनाने के लिए खेल रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। बट वो टाइम के साथ साथ कॉन्फिडेंस, रिफ्लेक्सेस, उतना तेज सोचना, वो सारी चीजें कम हो जाती हैं। एंड गाइस हमारी जो नेक्स्ट न्यूज निकल कर रही है वो टीम एक्सपायर को लेकर। सो गाइस जैसे कि अभी हमें टीम एक्सपायर का थोड़ा सा लो परफॉर्मेंस देखने को मिल रहा है, सो स्काउट भाई ने बोला कि अभी कुछ टीम एक्सपेरिमेंट कर रही है एंड उनको बंदी बोल रही थी कुछ एक्शन लो, सो उन्होंने बोला कि मैं क्या ही एक्शन लूं, और उनका क्या रिप्लाई था वो आप ऑन स्क्रीन देख सकते हो। भाई मेरे को आप लोग बोलोगे तो आप मुझे बताओ मैं क्या एक्शन लूं, मैं इधर हूं नहीं, वहाँ पे एनलिस्ट अलग है, प्लेयर्स एनलिस्ट के अराउंड एनलिस्ट के हिसाब से खेलेंगे, हमारा यहाँ पे कुछ इन्वॉल्वमेंट नहीं रहेगा। रीजन वो प्लेयर्स को एक थोड़ा फ्रीडम चाहिए कि कुछ टीम में उनको एक्सपेरिमेंट करना है। तो ऑब्वियसली बात है बिंग एन ओनर बिंग अ प्लेयर मुझे ये चीज़ समझ आती है कि टीम में कभी एक्सपेरिमेंट करना तो टाइम चाहिए होता है। अब मुझे एक बात बताओ, अगर रोज रोज हर टूर्नामेंट में आदमी भाई ऐसा खेलना वैसा खेलना ये करना वो करना करे तो आदमी एक्सपेरिमेंट कब करेगा? अभी ऑफिशियल आ रहा है, बहुत बड़ा ऑफिशियल आने वाला अभी, सेम जो अभी लास्ट टाइम हुआ था बीजेस, उससे बड़ा ऑफिशियल आएगा। तो अब बीएमपी जैसे ऑफिशियल्स के तो रेडी होनी है, तो अभी अनऑफिशियल ही हमारे हाथ में जो हम ट्राई कर सकते चीज़ें। हाँ ऑब्वियसली बात है अनऑफिशियल में पोडियम फिनिश एक्सपेक्ट करते हैं हम, बट अभी अगर कुछ चीजें ऐड ऑन हुई है सो लेट्स गिव इट टाइम। टीएक्सी तो करंट बनने के 4-5 महीने लगी थी, लेट्स गिव इट सम टाइम। एंड गाइस हमारी जो नेक्स्ट न्यूज निकल कर आई वो मेजी की तरफ से, उनसे एक बंदे ने पूछा कि हमारा जोन सिस्टम ग्लोबल जैसा कब होगा, सो उनका क्या रिप्लाई था वो आप ऑन स्क्रीन देख सकते हो। हमारा जोन सिस्टम ग्लोबल जैसा कब होगा? अरे जोन ग्लोबल सिस्टम लेके क्या करोगे ये बताओ पहले, तुम ग्लोबल सिस्टम का जोन लेके क्या करोगे? जब गन पावर में हम इतना ज्यादा पीछे हैं तो ग्लोबल सिस्टम ग्लोबल का क्या करोगे लेके, वो मेरे को बताओ। जब ऑलरेडी हम अपने गन पावर, रिफ्लेक्सेस, इन सारी चीजों में इतने ज्यादा पीछे हैं तो जोन का लेके क्या करोगे? प्रॉब्लम मेरी सबसे बड़ी, मुझे सबसे बड़ा इशू वो लगता है कि भाई जोन से क्या, जब 4v4 फाइट आप नहीं अच्छे से जीत रहे हो, रिफ्लेक्सेस उतने स्ट्रांग नहीं है जितने बाकियों के हैं ग्लोबल टीम के, वहां पे आप ग्लोबल जोन लेके क्या ही कर लोगे? स्क्वायर परमानेंट इंडेक्स, नो 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 वन इज परमानेंट इंडेक्स राइट नाउ, तो ओनली गाय। और टू बी ऑनेस्ट बहुत सिंपल बोलता हूं, मैंने पिछले 5 महीने में आई गेस समथिंग अराउंड 50 लाख या फिर 50 टू 55 के अराउंड लैक्स का कुछ मेरा खर्चा पड़ा है पूरी टीम को संभालना, इट मीन्स सैलरी, खाना पीना, आना जाना सब कुछ मिला के। मेरे पास कोई ऊपर से पैसा नहीं, तो मेरा 50 लाख मैंने डाला है। मेरे को रिटर्न कितना मिला है वो जो पीछे पड़ा हुआ, कितना हो 25 लाख में TS कट कुट के जो आएगा वो आएगा, उतना रिटर्न मिला है मेरे को। सो आई थिंक इट्स नॉट अ प्रॉफिटेबल बिजनेस। बाकी स्पोर्ट्स हम बिना सैलरी देके भी खुद से स्क्रैच से टीम बना के भी कर सकते थे, बट ठीक है अभी एक बार कर लिया, एक लर्निंग लेसन था। लेट्स सी कि स्पॉन्सरशिप जल्दी मिल जाए, अगर स्पॉन्सरशिप नहीं मिलेगा तो ऑब्वियसली बात है मुझे, मैं कंटिन्यू थोड़ी कर सकता हूँ सैलरी देना, तो मैं भी खुद कमाता, मेरे को मेरी फैमिली देखनी, मेरे को मेरे नीड्स से जो कंप्लीट करने होते हैं। 6 महीने मैंने पिछले बहुत सैक्रीफाइसेस किए थे, उसके बाद भी ज्ञान लोग दे रहे थे, ठीक है 50 लाख लोगों की कमाई होती है सालों सालों की, मैंने 50 लाख पिछले 6 महीने बढ़ा दिए, जो यस बहुत बड़ा अमाउंट रहता है जिससे मेरे को रिटर्न कुछ नहीं आया है। ऑब्वियसली बात है अभी कोच लिया है, अब बस वही चाहिए जितना भी एक्सपेंसेस है, मैं आपको रफली एक एस्टिमेशन देता हूँ, पूरा टीम का खर्चा कुछ समथिंग अराउंड सिर्फ सैलरीज पे 10 लाख के क्लोज पहुंच जाता है, और खाना पीना, आने जाना, ट्रैवल, बहुत कुछ होता है, वो सब भी इंक्लूड हो जाता है। तो ये हम लोग कभी स्पॉन्सर से बात कर रहे हैं, होपफुली स्पॉन्सरशिप हो जाए, अगर स्पॉन्सरशिप हो जाएगा तो TX कंटिन्यू होगा, अगर स्पॉन्सरशिप नहीं होगा तो मोस्टली TX को हमें बंद करना पड़ेगा। एंड गाइस वीडियो पसंद पड़े तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, मिलते किसी से नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, बाय बाय।